भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य ओम सोनी पर राजपुर में त्रिवेणी मंदिर के समीप शिव मंदिर में हमला हो गया है। ओम सोनी ने बताया कि तलवार, देसी कट्टे और हाकी से गुंडों ने मुझ पर हमला किया था। ओम सोनी ने सीसीटीवी फुटेज थाने पर सौंपते हुए हिमांशु उर्फ लक्की ठाकुर, भूपेंद्र ठाकुर सहित 7 से 8 लोगों के खिलाफ हमला करने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, मारपीट में उसकी पत्नी और बेटे के साथ भी मारपीट का आरोप लगाया है। मामले को लेकर 8 लोगों के खिलाफ राजपुर थाने में मामला दर्ज कराया। वहीं हिमांशु उर्फ लक्की ठाकुर ने ओम सोनी और उनके सहयोगी द्वारा मारपीट का आरोप लगाया है। दूसरे पक्ष में भी 6 के खिलाफ राजपुर थाने में मामला दर्ज करवाया है। राजपुर पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। विकास, क्या घटना हुई आपके? बस स्टैंड पर राजपुर। क्या, किन लोगों ने आप पर हमला करा? लक्की ठाकुर, पिताजी का नाम सुरेश, भूपेन्द्र ठाकुर, मोनू और ऋषभ और सोनू ठाकुर। किन कारण आपके साथ मारपीट करी? पुरानी रंजित थी। आप और किसी से हमला करा आपके अलावा? ओम सोनी ने। FIR दर्ज करवा दिए राजपुर थाने? हाँ। नाथ के मंदिर में अभिषेक कर रहा था और अभिषेक करके जैसे ही बाहर आया तो 8 लोगों ने 2 कार में आकर मेरे ऊपर हमला किया, जानलेवा हमला किया। मेरे घर पर जाकर, घर के अंदर घुसकर मेरे बेटे और मेरे पत्नी के साथ मारपीट करी। उसी संदर्भ में हम SP साहब से मिलने आए थे। राजपुर थाने में हमने FIR कराई है और संबंधित जो हमलावर हैं वो झूठी सच्ची शिकायत करने के लिए थाने पहुंचे हैं, उसी के खिलाफ हम लोग यहाँ आए। पूर्व में किसी प्रकार का हमारा कोई विवाद नहीं है और हमारा कोई झगड़ा नहीं है, हमारा सब पारिवारिक संबंध है। ये हमलावरों से ही आप सब लोग पूछना कि उनके किनके कहने पर, किनकी शह पर मेरे ऊपर हमला किया है। भूपेंद्र ठाकुर है, लक्की ठाकुर है, अर्जुन ठाकुर है, सोनू ठाकुर है, अखिलेश शिकरवार है, ऐसे कुल 8 लोग थे, 2 कार में आए थे और योजनाबद्ध तरीके से मेरी जान लेने के लिए वो आए थे। बीच बचाव में 2 लड़के आए, उनके कारण ही मेरी आज जान बची है, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। उनके पास देशी कट्टा था, तलवार थी, लोहे की राट थी, बेसबॉल के डंडे थे, हॉकी थी, लठे थी। कोई राजनीतिक कारण हो सकता है? अभी विवेचना में, पुलिस जब विवेचना करेगी तो उसमें सारे तथ्य सामने आएंगे। ये राजपुर शहर के कस्बे में त्रिवेणी मंदिर के पास की घटना बताई जा रही है। इसमें राजपुर निवासी राजपुर ओम सोनी जो पदाधिकारी भी है यहाँ पे, उसका और जो राजपुर कोर्ट में वकील है, एडवोकेट है अपने भूपेंद्र ठाकुर, इन दोनों का लड़ाई झगड़ा हुआ है और इनका पहले भी दीपावली के आसपास झगड़ा हो चुका है, विवाद हो चुका है, उसी पुरानी बात को लेकर आज लड़ाई हुई है, जिसका जिन दोनों पक्षों का मेडिकल करा दिया गया है और उनके बताए अनुसार रिपोर्ट लिखी जा रही है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।